अस्सलाम वालेकुम, खबरें टीवी डॉट नेट के साथ मैं हूँ ज़ैदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, वैसे तो हर शोबे में ख़वातीन का जिक्र भी किया जाता है और पाकिस्तान में तकरीबन हर शोबे में ख़वातीन है, लेकिन सियासत में ख़वातीन का जिस तरह से गलीज इस्तेमाल किया जाने लगा है, सियासत के जरिए जो ख़वातीन को एक घटिया ट्रेंड के जरिए जो पाकिस्तान में अपनी पार्टी को मकबूल कराने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। कल मरियम नवाज़ के बारे में एक ऐसा घटिया ट्रेंड चल रहा था, आज बुशरा बीवी के बारे में जो है घटिया ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड को चलाने वाला कौन होता है, फॉलो करने वाला कौन होता है? अपनी अपनी पार्टी के लोग होते हैं, रीट्वीट्स करवाए जाते हैं कि ट्रेंड को जो है ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। और फिर बाद में सोशल मीडिया पर आकर या टीवी पर आकर ये लोग कहते हैं कि हम इस ट्रेंड के पीछे नहीं है, हम तो कभी भी अपने वर्कर्स को ऐसी तलकीन नहीं करते कि खवातीन के बारे में बात की जाए, चाहे वो मरियम नवाज के बारे में हो, बुशरा बीबी के बारे में हो, बेनजीर के बारे में माजी में होती रही है, नून लीग की जानिब से किसी भी पार्टी की खवातीन हो। ये सिलसिला ठीक नहीं है कि पाकिस्तान में खवातीन को सियासत में इस घटिया तरीके से डिस्कस किया जाता है। वो किसी की बहन, बेटी, माँ, बीवी सोचते नहीं है कि वो बाद में सियासतदान है। मरियम नवाज के बारे में अगर बात करते हैं, कल से जो है घटिया ट्रेंड उनके बारे में था, वो बाद में मरियम नवाज है, सियासी नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मरियम नवाज भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है। इसी तरह आज बुशरा बीबी के बारे में ट्रेंड चला, शाह महमूद कुरैशी की बेटी के बारे में चला, उन्होंने मुल्तान में तकरीर की, उसका बुशरा बीबी से जो है जोड़ा जाने लगा कि कल को जो है खान शायद बुशरा बीबी को छोड़ के जो है शाह महमूद कुरैशी की बेटी के साथ शादी कर लेगा। इस तरह की घटियां, वो घर की इज्जत के बारे में, अगर आपके घर की इज्जत के बारे में बात करें तो आपको कैसा लगेगा? सोशल मीडिया माजी में समझा जाता था शायद किसी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी सियासी जमातों ने अपनी अपनी पार्टियों को मकबूल करवाने के लिए रखा। और पाकिस्तान की अवाम पागल है जिनके हाथों कठपुतली बनकर इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करती है और दूसरों की बहन बेटी को गाली देती है। डर है इस वक्त से जब सोशल मीडिया पर आपकी बहन बेटी को डिस्कस किया जाएगा, आपकी इज्जत को चौक चौराहे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जब आप किसी की बहन बेटी को सोशल मीडिया पर डिस्कस करेंगे तो वक्त दूर नहीं जब आपकी बेटी के बारे में भी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि जो बोते हो आपको वो काटना होता है। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, या शहबाज शरीफ हो, या बिलावल भुट्टो, इन सबको आगे आना चाहिए, इस तरह के ट्रेंड को रोकना चाहिए, अपने सियासी जंग लड़िए, लेकिन खवातीन को इस्तेमाल करना, खवातीन के बारे में ऐसी घटिया बातें करना, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इनके चाहने वाले इतने बाशऊर पाकिस्तान, मुझे तो समझ नहीं आती कि बाशऊर पाकिस्तानी ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं कि जानबूझ के कि अपनी तजलील कराते हैं, कि खुश होते हैं कि देखो पीटीआई के वर्कर ने ना नून लीग को कैसी कराई है, फिर नून लीग क्या खुश होते हैं कि देखो पीटीआई वालों को हमने कैसी कराई है, हमारा ट्रेंड ऊपर आ गया है। तो यह पाकिस्तान में सियासत है, यह पाकिस्तान के नजरियाती लोग हैं, ये लोग पाकिस्तान की सियासत संभालना चाहते हैं, ये लोग पाकिस्तान की बागडोर संभालना चाहते हैं, जिनको बहन बेटी की इज्जत का नहीं पता, अखलाकी तौर पर जिनकी तरबियत जीरो है। तो अफसोस होता है कि हम ऐसे सियासतदानों को अपना लीडर चुनते हैं, उनको वज़ीर आज़म की सीट पर बिठाते हैं और फिर जो है इस तरह की घटिया ट्रेंड चला के हमारी औरतों की इज्जतें ऐसे करवाते हैं। तो ये किसी पार्टी, किसी एक पार्टी का काम नहीं है, तमाम पार्टियों को आगे आना होगा और पाकिस्तान से गंदी सियासत को खत्म करना होगा। जब तक ये गंदी सियासत नहीं खत्म होगी तब तक गिरेबान में एक दूसरे के हाथ होंगे और आपकी बहन बेटी भी इसी तरह चौक चौराहे पर डिस्कस हो रही होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा, हमें दो हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।